साहिब साहब क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो नज़ारा चल रही है, पहले नज़ारा दिखा दें पब्लिक को, पब्लिक देखिए नज़ारा भाई। अब बताएं ऐसा हाथी वैसे यहीं देखने को मिल सकता है? और ये टाइगर होता ना, ये रोक के खड़े होते, देखते होते, फिर हटते गाड़ी, फिर गाड़ी नहीं हटती। अरे सुन में डाल देगा, मत जिसके अरे 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 ये तो वास्ते ये थी। हेलो नमस्ते वनकम वाला मरहबा अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मोहम्मद ज़ीशान हसीन खान, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग थंबनेल और टाइटल से समझ गए होंगे कि आज का व्लॉग किस टॉपिक पर होने वाला है, जी हाँ, हम लोग जा रहे हैं जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क सफारी करने के लिए। हम छह दोस्त अपने होम टाउन से अपनी अपनी बाइकों से रामनगर के लिए निकल चुके हैं। अस्सी किलोमीटर की ये राइड हम लोगों ने कई जगह रुककर खा पी कर लगभग तीन घंटे में पूरी की। रामनगर पहुंचने के बाद हम लोग जीप से, जो कि हमने पहले से अरेंज की हुई थी, जीप में बैठकर हम जिम कॉर्बेट पार्क की तरफ निकल पड़े। हम लोग जिम कॉर्बेट के एंट्री गेट पर पहुंच गए हैं। यह है ढेला गेट। इस गेट से दो जोन की एंट्री होती है, एक ढेला जोन, दूसरा जिन्ना जोन। हमारी जो बुकिंग है वो है जिन्ना जोन की। हम लोगों ने जिन्ना जोन की बुकिंग इसलिए की है क्योंकि हमें ढेला की कॉम्प्लीमेंट्री एंट्री मिल जाएगी, जो हम ढेला के ग्रासलैंड होते हुए जिन्ना जाएंगे। अगर हम ढेला गेट जो है वो चूज़ करते तो हमारा राउंड भी छोटा होता और हम जिन्ना तक पहुँच भी नहीं पाते। तो सबसे बड़ा बेनिफिट यह मिलेगा जिन्ना को चूज़ करने के लिए। कॉलिंग है इसका मतलब ये सब के सब रुके पड़े हैं। दुआ मांग लो पार्टी दिख जाए। आवाज भी है शायद। सब लोग जो है टाइगर के इंतजार में वेट करते हुए। बोलना नहीं है भाई, बोलना ना नहीं है, कॉलिंग नहीं भाई।
काफ़ी देर हम लोगों ने यहाँ पर टाइगर का वेट किया, फिर हमारे ड्राइवर साहब ने बोला कि टाइगर यहाँ पर नहीं है, यहाँ से वो निकल चुका है, तो हम कहीं और ट्राई करते हैं। तो फिर हम लोग निकल गए यहाँ से टाइगर की तलाश में। काफ़ी देर से सफारी करते करते हमें टाइगर के नज़दीक होने का एक क्लू मिला, हमें टाइगर के कुछ फुटप्रिंट्स मिले। फिर हमने टाइगर के फुटप्रिंट्स का पीछा किया और हम टाइगर के फुटप्रिंट्स की दिशा में ही आगे बढ़ते गए। थोड़ा सा आगे जाने के बाद हमने देखा कि टाइगर के फुटप्रिंट्स रोड पर से हटकर जंगल के अंदर की ओर चले गए, जो कि हमारा बेट लग था। अगर टाइगर के फुटप्रिंट्स सीधे जाते तो हो सकता था हमें टाइगर बहुत पास में ही मिल जाता। फिर हमने रुक कर टाइगर का इंतज़ार किया। कॉलिंग है इधर के जा रहा था, निशान उधर जा रहा था, उधर को नीचे को जाने के लिए यहाँ से अंदर को कुछ जा रहा हूँ, यहाँ छाया रहती है ना। वहाँ से ले जाया वहाँ से कोट भर रोड फोटोग्राफर दर 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 वहाँ तक ले गया मुझे कोट भर रोड। काफ़ी देर हमने यहाँ टाइगर का वेट किया लेकिन टाइगर नहीं आया, तब हम जंगल की ओर आगे बढ़ गए।
हम लोग जंगल और जंगली जानवरों का मजा लेते हुए आगे बढ़ रहे थे, तभी एक विशालकाय आकार का एक टस्कर हमारी तरफ तेजी से दौड़ा चला आया। और ये जो एक्सपीरियंस था वो जितना ख़तरनाक था उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत था। बहुत दिल को खुश कर देने वाला मोमेंट था। आप लोग वीडियो देखें और मुझे कमेंट में बताएं कि एक्सपीरियंस अगर आपके साथ होता तो आपको कैसा लगता। मोबाइल कस के पकड़ ये तो, अरे हेड कितना शानदार। भाई रोक दो, एकदम करो, चलो बहुत कम हो गया। हाँ ये देखो, बस 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 आ गया, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, तेज आ रहा है, तेज आ रहा है भाई, तेज आ रहा है। तुम भाई अरहान साहब, तुम्हारी दुआ को बोलोगे यार साहब, क्या कर रहे थे तुम, वीडियो मैंने भेजी थी तो बोले ये वाला सीन भी भेजवा दो भाई। भाई अरे भाई भाई क्या कर रहे हो, अरे डरो मत, कुछ नहीं होगा, डरो मत, देखो इसको सही करके देखो, पैर देखो, देखो ये चीजें बहुत नसीब से मिलती हैं। अरे अरहान दुआ मांग रहे थे, मतलब सीन करा दो साइन साहब, क्या कहना चाहेंगे आप, क्या कहना चाहेंगे आप, ये जो नजारा चल रहा है, पहले नजारा दिखा दें पब्लिक को, पब्लिक देखिए नजारा। अब बताएं ऐसा हाथी वैसे यहीं देखने को मिल सकता है। और ये टाइगर होता ना तो ये भी रोक के खड़े होते, देखते होते, फिर नहीं हटते गाड़ी, फिर गाड़ी नहीं हटती। अरे सुन में डाल देगा, डरना मत जिसके मारे। अरे अरे यही तो आवाज चाहिए थी, यही तो वीडियो, यही तो वीडियो। बहुत शानदार यार, मजा आ गया। थैंक यू, यही निकालने के लिए यार, क्या गजब का लग रही है ये, देखो लग कितना कर रहा है। तुम भी आसानी से साथ हो तो चलो दिखा दे भाई। तो मतलब जब आता है को चेस करते हुए हमारी जीप बंद हो गई थी, ड्राइवर साहब ने बड़ी फुर्ती से दोबारा सेल्फ मारा और जीप आगे बढ़ा ली। लेकिन इस बीच हमारे दोस्तों का क्या रिएक्शन था वो आप लोग खुद सुने। मैंने तो और कैमरा खोल लिया, मैंने तो ये सोचा नहीं करेगा क्या हमारी जीप पे जा रही है। जीप खुलते ही बंद होते मैंने तो कैमरा खोल लिया, देखो 7 सेकंड पहले ही बंद हुई। मेरा भागना किधर का था, अगर औरतें होते ना चीखे नहीं निकलती, चीखे नहीं निकलती। अरे अपने पास वीडियो थी वो यही तो थी, अगर लेडीज होती जब जीप बंद हुई थी तो आज देखो तो अल्लाह ना करे आज तो आठ पेड़ी होना था। मैंने तो फौरन कैमरा खोला, और ही डस्क नहीं। ये अकेला होता है जंगल है ना भाई, ये जंगली है। हाय भाई, अच्छा सब बॉडी फिगर देखोगे तो जबरदस्त है, एकदम विशाल वाला है, ऊंचे तो बहुत बहुत है इससे। आराम तो चलाएगा जी यहाँ पे, घबराहट में स्टैंड नहीं होगी, गेट डालते फिर करेगा, फिर करेगा आएगा। मोबाइल टाइट पकड़ियो, लेकिन ये याद रखना, जेब में रख लिया। आंखें देखो कितनी बड़ी, अब एकदम भागेगा, एकदम भागेगा, अब भागा, स्पीड बढ़ा लिया, चल चलो 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 चलो, कॉर्बेट के नियम अनुसार हम जानवर को ज़्यादा परेशान नहीं कर सकते, इसलिए हम हाथी को छोड़कर जल्दी से वापस आ गए। टस्कर है, टस्कर बहुत शानदार, फिर हम लोग जंगलों के बीचों बीच बनी इस कैंटीन में आ पहुँचे। ये कैंटीन ही एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ पर हम अपनी गाड़ी से नीचे उतर सकते थे, यहाँ पर हम फ्रेश हो सकते थे और खाने का भी माकूल इंतज़ाम है, चाय मैगी का हमारा भी मन था, हम ये ऑर्डर करने ही वाले थे। तभी यहाँ पर अचानक से एक जिसे कहते हैं टाइगर साइटिंग का इशारा होना, जानवरों ने शोर मचाना शुरू कर दिया था, बंदर और हिरन चारों तरफ से बोल रहे थे। हमारे ड्राइवर ने भी हमसे यही कहा कि टाइगर आसपास है। अभी हम आगे टच कर,
कसकर से मजा आ गया हमारे पीछे भागा बहुत दूर कसकर से मजा आ गया कहाँ देखो दौड़ा बहुत दूर तक हम रोक लगा लेते हैं कहाँ हम लोगों ने अपने ड्राइवर साहब की बात मानते हुए कुछ भी ऑर्डर नहीं किया और निकल पड़े अपने ड्राइवर साहब के साथ उस दिशा में जिस दिशा में टाइगर होने की बात हमारे ड्राइवर साहब ने हमें बताई थी। दिखेगा तो बहुत सही दिखेगा या तो दिखता नहीं है दिखता तो कहीं भी आ जाता है ऐसे रोकता है 600 प्रकार की अभी राइट पीछे ये लोग थोड़ी से अगली बार अंदर जाएगा हमेशा मॉर्निंग में जाते हैं ना बराज ना सही है बीच में आएगा देखो खुले में देख तो 5-10 मिनट का इंतजार करने के बाद हमें टाइगर की झलक दिखी थोड़ा सा दूर से ही सही लेकिन हमें टाइगर देखने को मिला देखा भी मैंने साइम कह दी इसलिए नहीं दिख रहा था तो जो भाई तुम्हारे भाई ने दिखाया ये भी देख लो मैंने आपसे क्या कहा था तुम्हारे देखो यहीं खड़ा था और यहीं आ गया ये होती है किस्मत तो वो लोग उधर खड़े हैं चुप जाओ ये उधर जाएगा ना उधर जाएगा कि उधर पहुंचना पड़ेगा उधर पहुंचना पड़ेगा वो जा रही है नहीं टाइगर देख लिया अब टाइगर दूसरी साइड में गया है और उसको उससे पहले हमारे ड्राइवर साहब पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं और सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं लोगों के लिए टाइगर देखा कैसा लगा टाइगर देख के मजा गया मुझसे तो पूछ ही मत ही कीड़ा हट गया था जहाँ से टाइगर निकलना था हम पहले पहुँच के टाइगर का वेट कर रहे थे और इसी के साथ टाइगर निकलने वाला था और ये देखिए आप वो टाइगर जा रहा है निकल कर अभी इसी जगह से हम टाइगर देखकर ही निकले थे बिल्कुल उसी सेम जगह पर हाथियों का एक बहुत बड़ा झुंड आ गया देखिए हम आप लोगों को दिखाते हैं हाथियों का झुंड यहाँ पे शेर की बात चल रही थी देहला के ग्रास लैंड में हाथी मिल गए मिलाती है इधर कान में मुड़ लग रही है इसके में हां आने का इधर को है ना हां ना नीरज निकल गया उसका टक्कर कोई नहीं था भाई वो जो होता है वो तो अच्छा भी है देखो कितना सा है ना बनाओ अभी लियो बेटा भाई साहब नसीब आज तुम्हारा तोड़ लिया है आप लोग देखते रहो होते हैं डर मत आज की वीडियो में बस इतना ही मिलेंगे अगली वीडियो में दोस्तों कॉर्बेट पार्क से रिलेटेड कोई भी सवाल आपके मन में हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं जैसे कि किस वक्त जाएं कब साइटिंग अच्छी होती है बुकिंग कैसे कराएं वगैरह वगैरह जो भी आपका सवाल हो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें मेरा चैनल सब्सक्राइब करें थैंक यू